आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं TVS की ओर से आने वाली ऑल न्यू TVS XL 125 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, TVS अपनी XL 100 को अब 125cc इंजन ऑप्शन के साथ भी लॉन्च करेगी, जिसपे दोस्तों अब आप लोग को पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो पे मैं आप लोग को इसी XL 125 के बारे में बताने वाला हूँ कि इस बाइक को कब तक लॉन्च किया जाएगा हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में, साथ ही साथ इस बाइक को अगर लॉन्च किया जाएगा तो इसकी प्राइसिंग क्या कुछ रहेगी, इसके अलावा पहले के मुकाबले अब आप लोग को क्या कुछ नए मिलेंगे, उन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी में जो है पहले के मुकाबले अब आप लोग को ज्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि अब आप लोग को इस गाड़ी पर जो है एनालॉग के साथ डिजिटल मीटर कंसोल दिया जाएगा, जिस पे आप लोग को पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हो सकता है कि कंपनी आप लोग को इस गाड़ी पे जो है LED का हेडलैम्प भी ऑफर कर दे। इसी के साथ दोस्तों इस बाइक पे जो है अब आप लोग को डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ बाइक पे जो है आप लोग को CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों गाड़ी पे जो है आप लोग को USB चार्जिंग पॉइंट दिया जाएगा, जिससे आप लोग फ़ोन वगैरह को चार्ज कर पाएंगे, और सेफ्टी वाइज आप लोग को गाड़ी पर जो है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिलेगा। यहीं पर दोस्तों मैं आप लोग को सस्पेंशन बारे में बताऊं तो फ्रंट पे आप लोग को टेलीस्कोपिक का मिलेगा और रियर पे दोस्तों आप लोग को ट्विन शॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को पहले के मुकाबले काफी अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों XL 100 जो पहले आती थी उस पे आप लोग को ट्यूब टायर देखने को मिलते थे, जिसको कंपनी चेंज करके अब आप लोग को ट्यूबलेस टायर ऑफर करेगी। इसके अलावा पहले जो XL 100 आती थी उस पे दोस्तों आप लोग को 4 लीटर का ही फ्यूल टैंक देखने को मिलता था, जिसको कंपनी अब बढ़ा के अब आप लोग को 10 लीटर तक का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देने वाली है। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोग को इंजन के बताऊं तो इंजन अब आप लोग को एक नया 125cc का इंजन देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों BS6 फेज 2 वाला होगा, जो कि आप लोग को OBD2 सेंसर के साथ जो है E20 कैपेबल इंजन दिया जाएगा, जिस पे आप लोग 20% जो एथेनॉल वाला फ्यूल होता है उसको भी आप लोग यूज कर पाएंगे। और यहीं पे मैं आप लोग को इसके प्राइसिंग के बारे में बताऊं तो लगभग जो है इसका प्राइस 80 से 85 हज़ार रुपए के आसपास में ऑन रोड जा सकता है। और यहीं पे दोस्तों मैं आप लोग को लॉन्च के बारे में भी बता दूं तो इस बाइक को दोस्तों इस साल के एंड तक में जो है हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे लॉन्च कर दिया जाएगा TVS कंपनी की ओर से। बाकी आप लोग बताएं दोस्तों कि आप लोग को ये जो XL 125 है ये आप लोग को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को भी दोस्तों हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।